साथियों, आज पश्चिम बंगाल में अजीब सी स्थिति बन गई है। यहां की सरकार देश भर से आए ऐसे लोगों का स्वागत करती है जिन पर गंभीर आरोप है। यहां की सरकार घुसपैठियों का भी स्वागत करती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के नेताओं को रोका जाता है। उस दल के नेताओं को रोका जाता है जिसके मूल में स्वामी विवेकानंद के मूल्य है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद का संकल्प है। भाई और बहनों, असल में रैलियों की रोकटोक, हेलीकॉप्टर के उतरने में आनाकानी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले, ये सभी कुछ तृणमूल की जमीन खिसकने और उसके बौखला जाने के संकेत है। पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों से टकराने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये अपनी मनमानी करते रहे। अब आपके साथ भाजपा है और संकल्प गुंडों और सिंडिकेट पश्चिम बंगाल की मुक्ति का है। साथियों, देश में लोकतंत्र है जो पश्चिम बंगाल पर भी लागू होता है। बीजेपी का कार्यकर्ता धमकियों से नहीं डरता। अगर हिंसा से बीजेपी के कार्यकर्ता डर जाते तो दो सांसद वाली पार्टी आज पूर्ण बहुमत की सरकार ना बना पाती और देश के अधिकतर राज्यों में सरकार हम न बना पाते। हाल में हुए पंचायत के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने ट्रेलर दिखा दिया है। अब हिंसा की पराकाष्ठा कर दी गई थी, बूथ के बूथ लूट लिए गए थे, लेकिन फिर भी जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को भारी संख्या में जिताया। साथियों, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी कहना चाहता हूं, यहां के हर युवा साथी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपको अपने हक का इस्तेमाल करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लोकसभा चुनाव की व्यवस्था देश के चुनाव आयोग के नेतृत्व में होगी और सुरक्षा और निष्पक्षता की पूरी गारंटी इलेक्शन कमीशन देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार भी आपका एक वोट केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनाने में मदद करेगा।